स्वागत है आपका हिंदी स्पेस चैनल की स्पेस अपडेट सीरीज के एक नए एपिसोड में। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के टॉप स्पेस अपडेट्स कौन कौन से हैं। आज की पहली अपडेट हबल टेलीस्कोप द्वारा ली गई न्यू वॉयस कॉमेट की इमेज को लेकर है। पहली बार हबल टेलीस्कोप द्वारा हमारी पृथ्वी से दिखाई दिए किसी कॉमेट की इमेज को कैप्चर किया गया है। 8 अगस्त 2020 को रिसर्चर्स ने हबल टेलीस्कोप का यूज करते हुए हमारी पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कई दिनों तक के लिए दिखाई दिए न्यू वॉयस कॉमेट के कोमा की इमेज को बहुत ही डिटेल के साथ कैप्चर किया है। हबल टेलीस्कोप के द्वारा कैप्चर की गई इस इमेज में यह साफ दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी से 4,30,00,000 किलोमीटर की दूरी पर इस कॉमेट में मौजूद आइस सन से आने वाली हीट की वजह से पिघलकर गैस क्लाउड के रूप में फैल गई है। वैज्ञानिकों के द्वारा हबल टेलीस्कोप का यूज करते हुए इस कॉमेट के न्यूक्लियस की डायरेक्ट इमेज को कैप्चर करने की कोशिश करी गई, लेकिन हबल टेलीस्कोप के रेजोल्यूशन की लिमिट होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। पहले वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया था कि इसका नेक्लियस मात्र 5 किलोमीटर के आसपास का है, लेकिन हबल टेलीस्कोप द्वारा ली गई इस न्यू वॉयस कॉमेट की इमेज में यह पता चलता है कि इस कॉमेट के डस्ट क्लाउड की जो स्ट्रेचिंग है वह 18,000 किलोमीटर तक की है, और इस कॉमेट के अपोजिट डायरेक्शन से निकल रहे जेट्स की भी इमेजेस को हबल टेलीस्कोप के द्वारा कैप्चर किया गया है। यह जो जेट्स इस कॉमेट से निकल रहे हैं वह इस कॉमेट में मौजूद सॉलिड हाइड्रोजन के गैस में कन्वर्ट होने की वजह से दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस कॉमेट की स्पीड भी बढ़ रही है। बाकी यह जो न्यू वॉयस कॉमेट है वह अब हमारी पृथ्वी से लगभग 7,000 सालों के बाद दिखाई देगा। आज की दूसरी अपडेट चाइना के तियानवेन 1 मिशन से आई एक अपडेट को लेकर है। चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किए गए तियानवेन 1 मिशन अपने अगले ट्रांजेक्टरी करेक्शन मैन्यूवर के लिए पूरी तरह से तैयार है। चाइना की नेशनल स्पेस एजेंसी के द्वारा यह बताया गया कि उनका स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी से लगभग 90,27,000 किलोमीटर की दूरी तक का सफर तय कर चुका है, और इस तियानवेन 1 मिशन के ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर में लगे हुए कैमरास और अदर इंस्ट्रूमेंट्स की टेस्टिंग को स्टार्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि मास मैग्नेटोमीटर की मदद से प्लेनेट के मैग्नेटिक एनवायरनमेंट, मिनरोलॉजी स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से प्लेनेट के मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी, और इस तियानवेन मिशन के रोवर और ऑर्बिटर में लगे हुए अलग अलग कैमरास की मदद से मास प्लेनेट की मॉर्फोलॉजी और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी करी जाएगी। यह जो तियानवेन 1 स्पेसक्राफ्ट है वह 23 अगस्त 2020 तक लगभग 90,28,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था, और इसका पहला ट्रांजेक्टरी करेक्शन मैन्यूवर सक्सेसफुली परफॉर्म किया जा चुका है, जिसमें इसके इंजन को 20 सेकंड के लिए बर्न करा गया था, और चाइनीज ऑफिशियल के अकॉर्डिंग इसके सेकेंड ट्रांजेक्टरी करेक्शन मैन्यूवर को सितंबर महीने के स्टार्टिंग में परफॉर्म किया जाएगा, जिस मैन्यूवर में इसके इंजन को लगभग 30 सेकेंड तक के लिए फायर किया जाएगा। आगे के अपडेट्स को जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि हमें भी आगे के नए नए वीडियोस को बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। आज की तीसरी अपडेट हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से निकलने वाले मिस्टीरियस गैस क्लाउड्स को लेकर है। एक नई स्टडी में यह पाया गया है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी अपने सेंटर से अजीब प्रकार की गैसेस को रिलीज कर रही है, और इन गैसेस के रिलीज होने की वजह से मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद गैस क्लाउड्स काफी ज्यादा डेंस होते जा रहे हैं। और वैज्ञानिकों द्वारा यह पता लगाया गया है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से ऐसा नहीं है कि केवल हॉट गैस ही रिलीज हो रही हो, बल्कि इसके सेंटर से कोल्ड और काफी ज्यादा डेंस गैस भी इसके सेंटर से बाहर आ रही है, और इसी गैस के रिलीज होने के कारण गैलेक्सी में जो गैस बबल्स मौजूद हैं वह लगभग 32,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक्सपेंड कर रहे हैं। हबल टेलीस्कोप के द्वारा ली गई इमेज में यह पता चला कि यह गैसेस गैलेक्सी के सेंटर यानी सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास से रिलीज हो रही हैं, लेकिन अभी वैज्ञानिक इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि इन गैसेस का रिलीज होना मिल्की वे गैलेक्सी में नए स्टार्स के फॉर्मेशन में मदद करेगा, या फिर यह गैसेस जो स्टार सुपरनोवा बन चुके हैं उनके किसी इफेक्ट की वजह से रिलीज हो रही हैं। वैसे अब तक इन गैसेस के रिलीज होने पर कोई डिटेल्ड रिपोर्ट तो पब्लिक नहीं की गई है, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा दूसरी गैलेक्सीज के ऐसे ही बिहेवियर की स्टडी करी जा रही है,
ताकि मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से रिलीज होने वाले इन गैस क्लाउड्स की मिस्ट्री को आसानी से समझा जा सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और नए नए स्पेस अपडेट्स वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।